नमस्कार, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। तीर्थ क्षेत्र माहौर तहसील के लोकप्रिय तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगांवकर पिछले 2 वर्षों से प्रभारी तहसीलदार करके माहौर तहसील में कार्यरत। हाल ही में जिलाधीश कार्यालय नांदेड़ द्वारा उनकी पुनर्नियुक्ति प्रभारी तहसीलदार से तहसीलदार के स्वरूप में की गई। अपने हंसते खेलते व्यक्तिमत्व की वजह से वे चारों तरफ लोकप्रिय है। उनकी इस नियुक्ति के लिए चारों तरफ से उनके ऊपर अभिनंदनों का वर्षाव हो रहा है। इसी श्रृंखला में पावर ऑफ मीडिया के जिलाध्यक्ष एवं वीसीएन न्यूज के प्रबंध संपादक उमेश लोटे तथा वीसीएन न्यूज के माहौर प्रतिनिधि राजू दराड़े एवं संजय घोगरे, इन्होंने तहसील कार्यालय माहौर में जाकर तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगांवकर इनका अभिनंदन किया एवं पुष्पगुच्छ उन्हें भेंट स्वरूप दिया। अपने अभिनंदन का जवाब देते हुए तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगांवकर ने कहा, माहौर येथे गेल्या 2 वर्षांपासून प्रभारी तहसीलदार म्हणून कार्यभार पाहत असलेले सिद्धेश्वर वरणगांवकर यांची तहसीलदार म्हणून माहौर येथे नियुक्ती झाली। त्याबद्दल वीसीएन न्यूजच्या वतीनं त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी आपण इथे आलेलो आहोत। तर सर, आपली जी तहसीलदार म्हणून इथे नियुक्ती झाली तर त्याबद्दल, आणि आपण इथे पुनश्च आज पदभार एक प्रभारी होतात आणि आज तहसीलदार म्हणून माहूर तहसीलचा जो प्रभार हाती घेतला, माहूर तहसीलमध्ये तसे पुष्कळसे नवीन तहसील असल्यामुळे असंख्य अडचणी इथे आहेतच आणि शिवाय शेवटचं टोक असल्यामुळे तालुक्याचं त्या पण आहेतच। तर आज आपण हा प्रभार घेतल्यानंतर इथला माहूर तहसीलचा, तर पुढे आपल्या डोक्यात काय काय विचार आहे आणि कसं हे देणार आहे? सर्वप्रथम मी आपल्याला धन्यवाद देऊ इच्छितो, कारण आपण सर्वजण इथे आलात आणि माझी अशी भावना झालेली आहे, आपण अमरावतीवरून आलात आणि अमरावती हे माझं माहेरघर आहे। अमरावती येथे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे मी 17 समन्वयक म्हणून सुमारे 2.5 वर्ष काम केलेलं आहे आणि अमरावतीबद्दल मला अतिशय प्रेम आहे। अमरावती अंबानगरी म्हणून ओळखले जाते आणि खरोखर मी माझं नशीब समजतो की अंबानगरीतून मी रेणुका नगरी माहूरमध्ये आलेलो आहे। एका आईकडून दुसऱ्या आईकडे मी आलेलो आहे आणि इथे तहसीलदार म्हणून काम करताना मला खूप आनंद होतो। या माहूरवर, तिथल्या निसर्गावर, तिथल्या सर्व व्यक्तींवर मी निरातिशय प्रेम केलं। इथे आईवर माझी प्रगाढ श्रद्धा आहे। श्री रेणुका देवी हे माझं कुलदैवत आहे आणि अशा ठिकाणी मला काम करण्याची संधी शासनाने उपलब्ध करून दिली, याबद्दल खरोखर मी शासनाचा मनापासून ऋणी आहे आणि आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छांमुळेच, आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादांमुळे मला इथे चांगल्या तऱ्हेने काम करता आलं। अजूनही इथे श्री रेणुका देवी संस्थांचा कोषाध्यक्ष म्हणून काम करताना मला अधिक चांगल्या प्रकारे कशी सेवा करता येईल आणि या माहूर शहराचा तसेच तालुक्याचा कसा विकास करता येईल याकडे मी निश्चितपणे प्रयत्न केला। आणि एक गोष्ट मी आपल्या सर्वांच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की सन 2009मध्येच मला तहसीलदार म्हणून कालबद्ध पदोन्नती मिळालेली आहे, परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की हे जे पद आहे पदोन्नतीसाठी उपलब्ध झालेलं नव्हतं। 2009पासूनच मला तहसीलदार या पदाचे वेतनसुद्धा शासनाकडून देण्यात येत आहे आणि ज्याला तहसीलदार या पदाचे वेतन मिळण्यात येत आहे त्याची कालबद्ध पदोन्नती मिळालेली आहे, फक्त मला ते पद उपलब्ध झालेलं नव्हतं। तर ते पद आज उपलब्ध झालं आणि या संधीचं जे आहे ते मी निश्चितपणे सोनं करेल असा मी तुम्हाला विश्वास। भारत सरकार गरीब जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती है। भारत देश में आज भी 65% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। इन सब के बावजूद सरकारें ऐसी ऐसी सुविधाएं जनता को देने में लगी हुई हैं जिन तक जनता के पहुंचने का कोई औचित्य ही नहीं है। बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, मेट्रो ट्रेन लाई जा रही है। ज़रूरी है, प्रगतिशील देश में इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन एक तस्वीर और देखिए कि आज भी सरकारी दुकानों पे मिलने वाले राशन के लिए लोग किस तरह से भीड़ लगाकर अपने नंबर आने का इंतज़ार करते रहते हैं और यह भीड़ कोई 1-2 घंटे की नहीं होती, बल्कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सुबह 11 बजे के वक्त राशन की दुकान पर आते हैं तो शाम को 7 बज जाने पर भी उनका नंबर नहीं आता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर वहाँ भीड़ होती कितनी होगी। इन सब के बावजूद जनता को कोई समझने वाला है नहीं, क्योंकि जो कोई भी आता है वह जनता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जनता की क्या तकलीफ़ है इसे समझने की कभी राजनेताओं ने कोई कोशिश ही नहीं की। अगर समझे होते तो शायद जनता आज भी सिर्फ 35 या 25 किलो अनाज के लिए 12 घंटे लाइन लगाकर नहीं खड़ी होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बेचारी बूढ़ी महिलाएं हैं, 70 से 80 वर्ष की आयु हो चुकी है, लेकिन टकटकी लगाए दुकानदार के शटर की तरफ बस यही देख रही हैं कि कब हमारे नाम का पुकारा हो जाए और हमें राशन मिल जाए। एक पहलू यह भी है कि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ में ज़्यादातर मजदूरी करने वाले परिवारों के लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि मजबूरी ही ऐसी है कि दिन भर की मजदूरी छोड़कर 25 किलो राशन, मोटा राशन मिल जाए, बस यही बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि अगर यह सरकारी राशन नहीं मिल पाया तो फिर महीने भर का आर्थिक बजट गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए लोग अपनी मजदूरी को छोड़कर यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। उस पर राशन दुकानदार की मेहरबानी यह कि 26 नवंबर से पहले कभी भी राशन का वाटअप चालू ही नहीं होता। 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक दुकान में राशन बंटता है, उसके बाद राशन बंटना बंद हो जाता है। इन 4 से 5 दिनों में जिन लोगों को राशन मिल जाए उनके लिए तो गनीमत है, लेकिन जिन्हें राशन ना मिले उनके लिए वाकई बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ पर खड़े लोगों का आरोप है कि दुकानदार ब्लैक में आने वाले लोगों को पहले राशन दे रहा है, लेकिन जो कार्ड धारक अपने नंबर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं उनका नंबर 7-8 घंटों से नहीं आया है। आखिर यह कौन सी लाइन है, यह कौन सा सिस्टम है कि कोई लाइन में खड़ा रहे और 8 घंटे बाद भी उसे राशन प्राप्त ना हो पाए। कुछ लोगों से हमने बात की और वह अपनी पीड़ाओं को बयान कर रहे हैं, यह भी आप सुन लीजिए। ये कंट्रोल का हमेशा का नाटक है सर, हाँ। हमेशा का नाटक है। पने 25 तारीख को कंट्रोल आता है यहाँ पे, जबकि महीने के 30 दिन होते। 25 तारीख को यहाँ कंट्रोल आता है, 5 दिन में कंट्रोल का जो अपने देना है देते हैं, उसके बाद फिर पूरा गायब हो जाता है। लोग इतने परेशान हैं, फिर काम करने वाले बाया को देखो, 80-80, 70-70 साल के बुढ़े लाइन में लगे हैं। अभी देखो तुम देख रहे हैं, अने ये कोई ने मतलब गरीबों की सेवा है कि हाँ, ये कौन से परेशानी है, ये कौन सा टाइम है यार। अने 10 किलो 20 किलो अनाज के लिए उनको पूरा दिन जा रहा है मजदूर लोगों को। बाड़ी में से बेचारे काम करके आ रहे, रोटी नहीं खा रहे अपने, हाँ, घर का काम नहीं कर रहे, खाना पकाने का रह गया। यहाँ कंट्रोल में नंबर लगा रहे जिनको कंट्रोल नहीं मिल रहा, यहाँ झगड़े कर रहे, कार्ड छीन रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी है, बोलो। 3 बजे से हम यहाँ से खड़े हैं, हाँ, रोज ही खड़े रहे, कल भी खड़े थे ना। कंट्रोल मिला है नहीं मिला है, काम पर से 3 बजे आए, उसके बाद इधर आए कंट्रोल में। सुबह शाम 10 बजे आए, वापस गए घर से। आम्ही सकाळी कार्ड देऊन गेलो, आता आलो तरी लाईन जराशी समोर सरकून नाही राहिली। मधात चिट्ट्या हे ते काय भेटून नाही राहिलं, 4 वाजतापासून आलाय म्हणून। खाली आलते ना तुम्ही, हा खाली आलते का? सवेरे आया, काय ते की चले गया। अच्छा, तो भी मिला, अभी नहीं मिला, हाँ अभी भी नहीं मिला। अभी वो वाला ही ना पीछे, हाँ पीछे गुजरे ले रहे काम के हैं सभी लोग। 3 बजे से बाहर खड़े हैं, कंट्रोल साठी आले हैं 3 वाजेपर्यंत पासून, आतापर्यंत यांना कंट्रोल नाही भेटला। या काकूची हालत पहा, या मावशीची हालत पहा इकडे। अब आपको बता दें कि ये जो स्थिति आपने अभी देखी और सुनी, यह अमरावती शहर से सटे बडनेरा के चौड़ी चौक स्थित स्वास्थ्य सरकारी धान्य वितरण केंद्र की है। धान्य वितरण केंद्र इसलिए बनाए गए हैं कि लोगों को यहाँ से सस्ते दामों में सरकार द्वारा मुहैया कराया गया अनाज मिल सके, लेकिन अगर मात्र 25 किलो अनाज के चक्कर में लोगों को अपनी रोजी रोटी और मजदूरी छोड़ के आना पड़े तो स्थिति बहुत गंभीर है। स्थानीय प्रशासन को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, हर किसी को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी घंटों लाइन लगाने के बावजूद भी अगर पंचिंग मशीन पर उंगलियों के निशान आधार कार्ड वाले उंगलियों के निशान से मैच नहीं कर पाए तो फिर राशन भी नहीं मिलता। और राशन न मिलना मतलब के महीने का आर्थिक बजट गड़बड़ा जाना। सरकार को इस मामले में सोचने की जरूरत है, क्योंकि योजनाएं जनता को सुविधाएं, सुख और सुकून देने के लिए होती है, ना कि इसलिए होती है कि उनका मूल अधिकार भी उनसे छीन लिया जाए। वीसीएन न्यूज के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट। अमरावती शहर में अतिक्रमण की मुहिम बड़े जोरों पर चालू है और रोडों के सीमेंटीकरण का तो कुछ कहिए ही मत। रोडों का सीमेंटीकरण भी बीते 6-8 महीनों से काफी जोरों शोर से चला आ रहा है। जगह जगह रोडों की खुदाई होकर उन पर सीमेंट का खोल चढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा कि अमरावती शहर के कई इलाकों में डामर के सड़कों की हालत बहुत ही ख़राब है। इतनी ख़राब कि वह जानलेवा स्तर तक को पहुंच चुके हैं। पहले उन सड़कों की हालत को ठीक करना चाहिए, उसके बाद फिर बेहतर रास्तों पर तो बाद में भी सीमेंट चढ़ाया ही जा सकता है। जी हां, आप देख सकते हैं यह नागपुरी गेट हाथीपुरा का रास्ता है, जहां पर रोड के बीचों बीच 4x4 का गड्ढा पड़ चुका है। वीसीएन न्यूज़ ने अमरावती महानगर पालिका के अधिकारियों से भी बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द यह काम पूरा हो जाएगा। खबर प्रकाशित करने के बाद भी वीसीएन न्यूज़ ने एक बार महानगर पालिका के अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें स्थिति दिखाई थी, तब उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इसका काम हो जाएगा, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं गड्ढे को छुपाने के लिए वहां पर एक बड़ा सा प्लास्टिक का टप्पर रखा हुआ है, वह भी काफ़ी ऊंचा है। उसकी वजह से भी लोगों को आने जाने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। गड्ढा कोई रोड किनारे नहीं है, बल्कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, और वह भी उस वक्त जब रोड पर दोनों ही तरफ से आवाजाही चालू है। आखिर अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? गोवर और रूबेला जैसी बीमारियों को जड़ से उखाड़ने हेतु शुरू से ही टीकाकरण अभियान को अंजनगांव सुरजी शहर में भारी प्रतिसाद मिला। डॉक्टर साकिब, डॉक्टर दभाळे, डॉक्टर शाहिद रजा, डॉक्टर मालविया आदि की उपस्थिति में अब्दुल कदीर सेठ कुरैशी उर्दू पूर्व माध्यमिक कन्या स्कूल नंबर 8 की छात्राओं को टीका लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। डॉक्टर दभाळे एवं आरोग्य अधिकारी डोंगरे व उनके पथक ने स्कूलों में जाकर जन जागृति की व इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। इस समय अंजनगांव सुरजी में नगर पालिका स्कूल के छात्रों को टीका लगाकर अभियान शुरू किया गया। डॉक्टर दभाळे ने बीमारियों की जानकारी देते हुए गोवर और रूबेला वैक्सीनेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। नगर परिषद उर्दू शाला क्रमांक 8 अब्दुल कदीर सेठ कुरैशी ये स्कूल में आज जैसीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। 9:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं राजू कुरैशी शाला व्यवस्था समिति का अध्यक्ष भी हूँ और पालक भी हूँ। इससे पहले इस किस्म के थोड़े से सोशल मीडियम के माध्यम से या वैसा कुछ तो भी इसके रीज़न के बारे में बताया जा रहा था। हमने 2-3 मरतबा पेरेंट्स की मीटिंग लेकर और उसके अंदर डॉक्टर की टीम बुलाकर उन लोगों को समझाया कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे के इनके फ़ायदे गिनाने के बाद में आज हमारे को ऐसा लगा, पहला दिन था, उद्घाटन हमारे स्कूल से हुआ और यहाँ पर इतना प्रतिसाद मिला, लोगों का बहुत प्रतिसाद मिला। किसी किस्म की कोई अभी तक रिएक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई अभी तक कंप्लेंट नहीं है। और हमारे यहाँ पर डॉक्टर मालविया साहब, डॉक्टर साकिब साहब, डॉक्टर शाहिद रजा साहब और दभाळे सर और पूरी मतलब जो यंत्रणा है डॉक्टर की, ये सब यहाँ मौजूद थे। इन सब ने हमें गाइडेंस किया और हमारे शाला व्यवस्था समिति के सभी सदस्य, नगर परिषद के सदस्य फहमुद्दीन, ये सब इनका हमको सहकार्य मिला है और ये काम बहुत कार्य अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे यहाँ पर बच्चों की तादाद 350 है। अभी तक हमारे पास में 250 के करीब लसीकरण हो चुके हैं। इस समय स्कूल के मुख्य अध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी स्वास्थ्य केंद्रों में भी टीकाकरण किया जाएगा, ऐसी जानकारी भी दी गई है। आज दिनांक 27-18 पासून रुबेरा आणि गोवर ही लस मोहीम चालू झालेली आहे। तरी ही मोहीम सर्वप्रथम उर्दू कन्या शाळेवर पोलीस स्टेशन अंजनगाव सुरजी इथे चालू झालेली आहे। ही मोहीमला आम्हाला सर्व आरोग्य शिक्षक तसे इच्छे शिक्षक ANM आणि अंगणवाडी सेविका आशा वर्कर यांनी खूप चांगले सहकार्य केले आणि ही मोहीम समर्पण अशी सक्सेस होई ही सर्व पालकांना विनंती आहे। VCN न्यूज के लिए अंजनगांव सुरजी से जावेद शाह की रिपोर्ट। अमरावती महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा बीते कई दिनों से लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। इसमें कई अतिक्रमण धारकों की दुकानें व घर भी उजाड़ दिए गए हैं। इससे पहले अमरावती महानगर पालिका ने सभी अतिक्रमण धारकों को नोटिस देकर जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी जगह पर अड़े रहे। इसके बाद अमरावती महानगर पालिका ने पूरे दल बल के साथ पुलिस महकमे की मदद लेकर जोरों शोर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। बीते कई दिनों से अमरावती महानगर पालिका की यह मुहिम चालू है और अब यह मुहिम अपने पूरे जोर पर पहुंच चुकी है। इस मुहिम में 4 खंबा पटान चौक स्थित अतिक्रमण की कई दुकानें हटा दी गई हैं और कईयों का हटाया जाना अब भी बाकी है। बीते कई दिनों से अमरावती महानगर पालिका पर इस बात को लेकर जोर था कि वो शहर में तेजी से बढ़ रहे अतिक्रमण को रोके और उसी के चलते आखिरकार अमरावती महानगर पालिका ने मनपा आयुक्त संजय नेपाने के आयुक्त में यह तय कर लिया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करके ही दम लिया जाएगा। लेकिन अब तक जितनी भी कार्यवाही हुई है वह सब के सब छोटी अतिक्रमण धारकों पर हुई है। बड़े अतिक्रमण धारक अब भी जस के तस हैं और उनकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें अमरावती महानगर पालिका को आंख दिखाती हुई नजर आ रही है और हर कोई अमरावती महानगर पालिका से यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर बड़े अतिक्रमण धारकों पर कार्रवाई कब होगी या फिर सिर्फ छोटे अतिक्रमण धारकों पर कार्रवाई करके ही अपनी पीठ थपथपा ली जाएगी या फिर अमरावती महानगर पालिका वाकई में कोई साहसी कदम भी उठा सकती है। अमरावती शहर क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की 128वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। अखिल भारतीय माली महासंघ व महात्मा फुले बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित महाअभिवादन समारोह में क्रांति सूर्य महात्मा फुले को आदरांजलि अर्पित की गई। भाजपा शहर अध्यक्ष जयंत डोहनकर सहित माली महासंघ के प्रकाश लोखंडे, नंदू भोले, पार्षद सुनीता भोले, अरुणा खारकर, आदर्श शिक्षिका रंजनी आमले, वंदना मळघे, अशोक दहीकर, शिरसाठ गुरुजी सहित विविध मान्यवरों ने क्रांति सूर्य को नमन किया। स्मृति दिनाच्या निमित्ताने आपण या ठिकाणी सगळेजण एकत्र झालो आहोत। सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते, महिलांच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेऊन ते रुजवण्यासाठी अथक प्रयत्न करणारे, समाज क्रांतीची मशाल पेटवणारे, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून वंचितांना न्याय मिळण्यासाठी ज्यांनी कष्ट उपसले असे आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्थान आदर्श शैक्षणिक दालन उभी केली। पुण्यामध्ये आज मोठा कार्यक्रम आहे। आपले विद्यमान नेते शरद रावजी पवार साहेबांना महात्मा फुले समता पुरस्कार छगनजी भुजबळ साहेबांनी आज देता है। ते माजी राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते तो कार्यक्रम आहे आणि असा भव्य दिव्य कार्यक्रम पुण्यामध्ये होत असताना या अमरावती शहरामध्ये सुद्धा चांगला मोठा कार्यक्रम होणं अपेक्षित असताना इथे अशी स्थिती पवार साहेबांनी बोलून दाखवली। साफसफाई भाषणों यांनी 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। भारतीय राष्ट्रवाद के आंदोलन का वह क्रूरता से दमन करता था और उसे प्रेस की आज़ादी सबसे ज़्यादा खटकती थी। उसने राष्ट्रवादियों को काबू करने के लिए प्रेस का गला घोटना सबसे सही कदम समझा था। 1978 में उसने वर्नाकुलर एक्ट पास करके प्रेस का गला घोटने की कोशिश की। इस कानून के तहत देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर कुछ रोक लगा दी गई और उनकी आज़ादी छीन ली गई। सत्यशोधक समाज का हिस्सा रहे दीनबंधु समाचार पत्र की ओर से प्रेस की आज़ादी छीनने के प्रतिबंध का काफ़ी विरोध हुआ था। इस प्रतिबंध के 2 साल बाद 1980 में लिटन पुणे का भ्रमण करने वाला था। पुणे नगर पालिका का तत्कालीन अध्यक्ष लॉर्ड लिटन का भव्य स्वागत करना चाहता था। इसके लिए वह 1000 रुपये खर्च करना चाहता था और पुणे नगर पालिका के सदस्यों से खर्च के अपने प्रस्ताव को पारित करने में मदद करने का आग्रह भी कर रहा था। ज्योतिबा फुले को यह बात काफ़ी नागवार गुजरी कि टैक्स पेयर्स का पैसा लिटन जैसे क्रूर आदमी पर खर्च किया जाए। वह बिल्कुल डरे नहीं और पूरे साहस के साथ प्रस्ताव रखा कि लिटन की बजाय उस पैसों को पुणे के गरीब लोगों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा वीसीएन न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए। स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहितों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटेल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजलेंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घाघरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजलेंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण। अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। 18 नवंबर 2018 को जमील कॉलोनी के बिलाल नगर में हुए ताहिरा बानो हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने लगभग सुलझा ली है। पुलिस ने लगभग 10 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। इस प्रकरण के सामने आने के बाद ही वीसीएन न्यूज ने घटना की स्थितियों पर संदेह व्यक्त किया था और बताया था कि जब घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, पास ही में बांधकाम का काम भी शुरू है, तो यह कैसे मुमकिन है कि दिन दहाड़े कोई चोर घर में घुसकर किसी महिला को मौत के घाट उतार दे। और अब पुलिस की जांच से भी वही पहलू सामने आया है। पुलिस ने खुद मृतक महिला के पति को अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में जायदाद बंटवारे को लेकर चल रही रंजिश का मामला भी सामने आया है। मृतक महिला की 2 बेटियां थीं। मृतक महिला दोनों ही बेटियों को अपनी जायदाद में बराबर का हक देना चाहती थी, लेकिन आरोपी पति का कहना था कि जिस लड़की ने लव मैरिज की है, मैं उसे अपनी जागीर में कोई हिस्सा नहीं देना चाहता। बस इसी मामले को लेकर कई दिनों से पति पत्नी के बीच बहस चली आ रही थी और आखिरकार उसका नतीजा यह निकला कि महिला को अपनी जान गंवानी पड़ गई। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को पीसीआर के लिए पेश भी कर दिया है। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल वीसीएन न्यूज। नमस्कार।